डिफेंस टेक इनसाइडर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बात करें पहली खबर की तो भारतीय सेना लोकेश मशीन लिमिटेड से 24.6 करोड़ रुपए की लागत पर 550 स्थानीय विकसित ASMI 909 NIMM सब मशीन गन का आदेश देने जा रही है। यह खरीद भारत के रक्षा स्वनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में चिन्हित होता है। ASMI घरेलू रूप से डिजाइन किया गया है। 9x19mm पैराबेलम कार्ट्रिज का उपयोग करने के लिए बनाया गया है, जो भारतीय सेना और देश भर की अन्य सुरक्षा बलों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया जाने वाला कैलिबर है। पैराबेलम कार्ट्रिज की खासियत है इसकी कीमत सस्ताई और उपलब्धता की व्यापकता, जिससे यह हैंडगन्स और SMG के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन गया है। यह खरीद डिफेंस विनिर्माण में भारतीय सैन्य को न केवल अपनी परिचालन योग्यता को बढ़ाता है, बल्कि भविष्य में भारतीय रक्षा विनिर्माण में और अधिक उन्नति के लिए वादा करता है। स्थानीय उत्पादन की जोरदार बढ़ोतरी के लिए भारतीय सेना को न केवल अपनी संघर्ष क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलती है, बल्कि घरेलू रक्षा उद्योग के अंदर विकास और नवाचार को बढ़ावा भी देती है। यह कदम सरकार के मेक इन इंडिया पहल को समर्थन करता है और आयातित रक्षा उपकरणों पर निर्भरता को कम करने की दिशा में है। इसके अलावा ASMI SMG की खरीद के माध्यम से भारतीय सेना की आत्मविश्वास और स्थानीय प्रौद्योगिकी में विश्वास को दिखाता है। यह भारतीय सेना के विशेष आवश्यकताओं के लिए विकसित विकेंद्रित रक्षा समाधानों को विकसित करने की क्षमता को दिखाता है। जैसे ही भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का प्रयास करता है, ASMI SMG की खरीद जैसी पहलेवर कदम हमारे लिए स्वनिर्भरता और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई की ओर कदम बढ़ाती है। बात करें दूसरी खबर की तो भारतीय वायुसेना आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिसमें राफेल लड़ाकू विमानों के लिए जरूरी भागों की आपूर्ति के लिए घरेलू उत्पादकों की तलाश की जा रही है। इस पहल में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ सहयोग शामिल है और यह अपेक्षित है कि अगले महीने चंडीगढ़ स्थित 3 बेस रिपेयर डिपो के साथ एक मीटिंग के माध्यम से अंत होगा। IAF ने जारी रखे गए निरंतर रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण विशेष भागों की एक विशिष्ट सूची को पहचाना है। ये भाग प्रमुख रूप से वे होते हैं जो नियमित रूप से परिवर्तित होते हैं और इंजन या ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स जैसे मिशन महत्वपूर्ण सिस्टम नहीं होते हैं। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त उपकरण भी शामिल हैं जो सीधे मुख्य कार्यक्षमताओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालते हैं। IAF ने उन 52 विशिष्ट राफेल भागों की एक सूची प्रदान की है जिन्हें वे भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित किया जा सकता है मिशन को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए। यह पहल न केवल विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करने का लक्ष्य रखती है, बल्कि एरोस्पेस क्षेत्र में घरेलू क्षमताओं को भी बढ़ावा देने का है। आगामी मीटिंग के बीच IAF और 3BRD के बीच चयन प्रक्रिया और संभावित आपूर्तिकर्ताओं के लिए विशेष आवश्यकताओं पर अधिक स्पष्टता प्राप्त की जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बात करें दूसरी खबर की तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तैयारी में है एक महत्वपूर्ण अध्ययन के लिए जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK-1A से संबंधित है। इस परियोजना का मुख्य ध्यान ASRM एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसल को MK-1A प्रकार पर सम्मिलित करने पर है। तेजस MK-1A पर सिंगल एंड ट्विन जोड़े हुए ASRM कॉन्फ़िगरेशन को सम्मिलित करने की व्यावसायिकता की जांच की जाएगी। इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रस्तावित कॉन्फ़िगरेशनों के बीच विमान की संरचनात्मक लचीलाई और एयरोडायनामिक बलों के बीच व्यवहार का ASE विश्लेषण करना होगा। यह विश्लेषण आसरणीय भार के और कॉन्फ़िगरेशन परिवर्तनों के साथ ASRM के संबंध में विमान की सुरक्षित और स्थिर उड़ान विशेषताओं का मूल्यांकन करता है। अध्ययन में विमान के सेवोलास्टिक प्रतिसादों की विधिगत गणनाएं भी शामिल होंगी जब ASRM के साथ संपन्न किया जाए। सेवोलास्टिक प्रतिसाद विचार करते हैं कि विमान की संरचना एरोडायनामिक भारों के तहत कैसे मोड़ती और विकृत होती है और ये विकृतियां नियंत्रण सतहों पर कैसे प्रभाव डालती हैं। हाल के दिनों में एक तेजस MK-1A विंड टनल मॉडल के दर्शनों ने जोड़े हुए ASRM के एक ड्यूल पायलन कॉन्फ़िगरेशन के अन्वेषण को प्रामाणिकता दी है। विंड टनल टेस्टिंग इंजीनियरों को विमान के प्रदर्शन पर मिसाइलों के एरोडायनामिक प्रभाव का मूल्यांकन करने की अनुमति देती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
तो यही थी दोस्तों आज की अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी ही अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।